विश्व विख्यात शक्तिपीठ ज्वालामुखी मंदिर में लगातार दो दिन से रुक रुक कर बारिश हो रही है। बारिश में भी बाहरी राज्यों से आने वाले श्रद्धालु ज्वाला माँ के ज्योति की लाइनों में लगकर दर्शन कर रहे हैं और माँ का शुभ आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। विश्व विख्यात शक्तिपीठ ज्वालामुखी मंदिर में लगातार दो दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिसमें अश्विन नवरात्रों के दूसरे दिन भी लगातार बारिश हो रही है। बाहरी राज्यों से आने वाले श्रद्धालु ज्वाला माँ के ज्योतियों के लाइनों में लगकर दर्शन कर रहे हैं और माँ का शुभ आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। पुजारी शैलेंद्र शर्मा ने बताया कि ज्वालामुखी मंदिर में अश्विन नवरात्रों के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी के रूप में ज्वाला माँ का पूजन किया जा रहा है और सुबह से ही बारिश लगी हुई है और मौसम बहुत सुहावना बना हुआ है। सभी श्रद्धालु लाइनों में लगकर ज्वाला माँ के दर्शन कर रहे हैं। बाहरी राज्यों से श्रद्धालुओं की संख्या में कमी नजर आ रही है। मंदिर प्रशासन ने इसके बावजूद श्रद्धालुओं की सुविधा के अच्छे इंतजाम किए हुए हैं। नवरात्रों में रंग बिरंगी लाइटों व फूलों से बहुत अच्छी सजावट हुई है। आज सुबह से ही बारिश लगी हुई है, धीरे धीरे बारिश हो रही है और श्रद्धालु लोग जो हैं वो आराम से जो है लाइनों में दर्शन कर रहे हैं और प्रशासन ने पूरा इंतजाम किया हुआ है और लाइटों और फूल से बहुत बढ़िया सजावट हुई है। जय माता दी। जय माता दी। ज्वालामुखी आए हुए श्रद्धालुओं ने कहा कि ज्वालामुखी मंदिर में दर्शन बहुत अच्छे ढंग से हो रहे हैं और मंदिर प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा के सभी प्रबंध किए हुए हैं। वड़ा तो आया माँ का चंद्रपोने के दर्शन की थे, दर्शन बहुत बढ़िया हुए, उससे भी बढ़िया हुए द्वारा जी पहुँचे, इसके भी दर्शन बहुत बढ़िया हुए। प्रशासन का इंतजाम कैसा था? दर्शन में इंतजाम बहुत बढ़िया हुआ, कोई इतना की कोई दिक्कत नहीं है, कोई नहीं बोल। जय माता दी। जय माता। मंदिर अधिकारी बिशन दास शर्मा ने बताया कि ज्वालामुखी मंदिर में दूसरे नवरात्रि को लगभग 7,000 श्रद्धालुओं ने ज्वाला माँ की ज्योतियों के दर्शन किए। इन नवरात्रों के पहले दिन श्रद्धालुओं द्वारा मंदिर में कुल चढ़त 7,07,702 रुपए सोना 2 ग्राम 300 मिलीग्राम और चांदी 395 ग्राम और विदेशी करेंसी के रूप में कनाडा के $20 श्रद्धा के रूप में ज्वाला माँ के चरणों में अर्पित किए गए हैं।